नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है YMW सॉल्यूशन के एक नए वीडियो में। तो फ्रेंड्स, आज का वीडियो बहुत ही खास होने वाला, क्योंकि आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हेल्थ एंड वेलनेस प्रोडक्ट के बारे में। फ्रेंड्स, अभी जिस प्रोडक्ट के बारे में मैं आपको बात करने वाला हूँ, फ्रेंड्स उस प्रोडक्ट का डिमांड सालों साल रहने वाला है और इस प्रोडक्ट का डिमांड कभी खत्म नहीं होने वाला। तो फ्रेंड्स, अगर आप भी ऐसे प्रोडक्ट का होलसेल बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं तो फ्रेंड्स आप लोग कमेंट करके इस वीडियो में जरूर बताइएगा। तो मेनली हम लोग इसी वीडियो में जो है कवर करने वाले हैं कि वो कौन सा प्रोडक्ट है जिसका सालों साल डिमांड रहेगा और जिसका कभी डिमांड खत्म नहीं होने वाला है। फ्रेंड्स, आपको पता है कि हर एक दिन जो है नए नए बेबी बोर्न होते हैं और हर एक न्यू बोर्न बेबी को जो है पहनाने के लिए डायपर चाहिए। डायपर यहां पे कौन सा लगेगा? फ्रेंड्स, न्यू बोर्न बेबी डायपर चाहिए जिसमें इलास्टिसिटी लेस हो, यानी कि इलास्टिसिटी ना हो, वैसा डायपर जो है न्यू बोर्न बेबी को हम लोग पहनाते हैं। तो फ्रेंड्स, ऐसे में आप यहां पे बिजनेस अपॉर्चुनिटी सर्च कर सकते हैं, क्योंकि फ्रेंड्स यहां पे न्यू बोर्न बेबी को डायपर पहनाना ही पड़ेगा, तो जिसके कारण जो है डिमांड जो है इसका डे बाय डे जो है इंक्रीज कर रहा है। क्योंकि फ्रेंड्स आपको पता है डे बाय डे जो है नंबर ऑफ बेबी जो है बोर्न हो रहे हैं, जिसके कारण जो है मार्केट में डिमांड जो है इसका काफी ज्यादा जोर शोर से है। तो अगर आप भी कोई नए बिजनेस अपॉर्चुनिटी को सर्च करें तो फ्रेंड्स यहां पे न्यू बोर्न बेबी का डायपर का आप होलसेल बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। तो यहां पे आप लोगों को क्वेश्चन हो सकता है कि सर हम लोग किस कंपनी का न्यू बोर्न बेबी का डायपर हम लोग यहाँ पे होलसेल करें? तो यहाँ पे बहुत सारी जो है कंपनियां हैं, जैसे कि आपने पैंपर्स का नाम सुना होगा जो कि PNG कंपनी का है, इसके बाद जो है मेमी पोको पैंट्स है, ऐसे और बहुत सारे जो है कंपनी अपना अपना जो है न्यू बोर्न बेबी का जो है डायपर लेकर आई है। हिमालय कंपनी भी लेकर आई है, पतंजलि भी जो है अपना शिशु केयर में इंक्लूड की है, ऐसे बहुत सारी कंपनी है जो कि अपना डायपर लेकर आई है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे आपको कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि मार्केट में डिमांड सबसे ज्यादा अभी के समय में देखा जाए तो पैंपर्स का, आप लोग सोच रहे हैं पैंपर्स का काफी ज्यादा डिमांड है, बट यहां पे एक मिडिल क्लास को अगर लेकर चले तो जितने भी मिडिल क्लास लोग हैं, अभी जो है पिरामल फार्मा का एक प्रोडक्ट है लिटिल बेबी केयर करके। तो फ्रेंड्स लिटिल बेबी केयर का जो न्यू बॉर्न बेबी डायपर है सबसे ज्यादा जो है अभी सेल होता है। तो फ्रेंड्स आप लोग सोच रहे होंगे कि ये कौन सी कंपनी है, मैं आपको बता दूं। फ्रेंड्स आप देख सकते हैं ये जो है आपका पिरामल फार्मा का जो है ये प्रोडक्ट है जो कि लिटिल्स एक्सपर्ट बेबी केयर है जो 1980 से चले आ रहा है। तो फ्रेंड्स अगर आपने नहीं देखा है तो आप देख सकते हैं इसके जो है हर एक तरह के आपको डायपर देखने को मिल जाएंगे, जैसे कि न्यू बॉर्न डायपर आपको देखने को मिल जाएगा, एस साइज के डायपर देखने को मिल जाएंगे, एम साइज के डायपर देखने को मिल जाएंगे, एल साइज के मिल जाएंगे, डबल एक्सएल, सिंगल एक्सएल, सभी तरह के जो है डायपर ये कंपनी जो है आप लोगों को प्रोवाइड करती है। तो यहाँ पे आप लोगों के मन में क्वेश्चन होना चाहिए कि सर क्या यहाँ पे पिरामल फार्मा कंपनी जो है ये डायपर खुद से मैन्युफैक्चरिंग करती है? तो फ्रेंड्स मेरा बिग आंसर है नो, ये कंपनी डायपर मैन्युफैक्चरिंग नहीं करती है। ये स्लिप जो है किसी थर्ड मैन्युफैक्चरिंग कंपनी से डायपर परचेस करती है, उस पर अपना ब्रांड लगाकर जो है सेल करती है। तो यहाँ पे आप लोगों को क्वेश्चन ये होना चाहिए कि सर क्या हम लोग खुद के ब्रांड से न्यू बॉर्न बेबी का डायपर हम लोग बनाकर मार्केट में सेल कर सकते हैं? यस, आप लोग भी कर सकते हैं। इसके रिगार्डिंग मैं सेपरेट वीडियो लेके आऊंगा कि वो कौन सी कंपनी जिसे आपको माल परचेस करना चाहिए, कितना आपको लागत लगेगा और कितना में आपको मार्केट में माल को आपको सेल कर देना चाहिए। तो फ्रेंड्स सबसे पहले यहाँ पे अभी हम लोग जिस कंपनी के बारे में बात कर रहे हैं वो है लिटिल एक्सपर्ट बेबी केयर न्यू बॉर्न बेबी डायपर के बारे में। तो यहाँ पे आपको समझना पड़ेगा कि फ्रेंड्स पिरामल फार्मा जो है सिर्फ इसका मार्केटिंग करती है, मैन्युफैक्चरिंग जो है यहाँ पे कोई थर्ड कंपनी करती है। वो कंपनी का नाम क्या है? मिलेनियम बेबी केयर प्राइवेट लिमिटेड। इनकी जो है फुली ऑटोमेटेड मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी है पीथमपुर में, और ये जो कंपनी है वन स्टॉप सॉल्यूशन प्रोवाइड करती है हेल्थ एंड वेलनेस प्रोडक्ट में। तो फ्रेंड्स अगर आप मिलेनियम कंपनी से व्हाइट लेबलिंग माल परचेस करके खुद के ब्रांड लगाकर जो है डायपर सेल करना चाहते हैं तो आपके लिए भी यहाँ पर भी अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल जाती है, बट इसके रिगार्डिंग में सेपरेट वीडियो बात करूंगा, क्योंकि यहाँ पर मेनली हम लोग बात करने वाले हैं पिरामल फार्मा का लिटिल एक्सपर्ट बेबी केयर डायपर के बारे में। तो फ्रेंड्स आपको बता दूं कि जब तक आपका बच्चा 6 से 7 साल तक नहीं हो जाता तब तक जो है आप अपने बच्चे को डायपर यूज करवाते ही रहते हैं। तो सोचिए कि अपने इंडिया में कितने सारे बच्चे हैं, कितना डायपर जो है कंज्यूम होता है। तो ऐसे में आपको यहाँ पे समझना पड़ेगा कि इस बिजनेस में जो है सबसे ज्यादा स्कोप आपको दिखने वाला है, क्योंकि फ्रेंड्स यहाँ पे मैंने बताया कि अलग अलग साइजेस के आते हैं और यहाँ पे जो है डे बाय डे जो है इसका डिमांड बढ़ रहा है और नंबर ऑफ कंपनी भी आ रही है। तो फ्रेंड्स आपको अभी से इसके लिए तैयार होना पड़ेगा। तो देखिए अगर आप लिटिल्स बेबी केयर डायपर का अगर बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं तो सबसे पहले समझना पड़ेगा कि आपको किन किन चीज़ों की रिक्वायरमेंट रहेगी। देखिए सबसे पहले आप जिस लोकेशन को टारगेट करना चाहते हैं, जैसे आप जिस लोकेशन में रहते हैं आप सोचेंगे कि मैं 5 किलोमीटर एरिया जो है मैं पूरा कवर करूंगा और वहां पे जो है लिटिल बेबी केयर डायपर का जो है मैं पूरा सप्लाई करने वाला हूं। तो आपको बता दूंगा फ्रेंड्स आप 5 नहीं 10 किलोमीटर का दायरा आप जो है यहां पे कंसिडर कीजिए। 10 किलोमीटर दायरे के अंदर जितनी भी सारे
चाहे कॉस्मेटिक की दुकान हो, चाहे जितने भी किराना की दुकान हो या मार्ट हो, इसके अलावा जितनी भी आपके यहाँ पे रिटेल शॉप हो, मेडिकल शॉप हो, हॉस्पिटल्स हो, क्लिनिक्स हो, ये सारे जगह पे जो है आपको टारगेट करना चाहिए, क्योंकि फ्रेंड्स ये सारे जगह पे जो है बेबी का ये लिटिल केयर डायपर सेल होता है। तो सबसे पहले आपको जब पूरे एरिया के बारे में जानकारी हो जाएंगे, ये कितना नंबर ऑफ डायपर जो है आप अपने एरिया में रिटेल कर पाएंगे, तो आपको यहाँ पे समझ में आ जाएगा कितना आपको क्वांटिटी का माल उठाना है। तो ये सबसे पहला आपका क्या रहेगा, मार्केट रिसर्च। तो मार्केट रिसर्च किसी बिजनेस में सबसे जरूरी है। अगर आप मार्केट रिसर्च नहीं करते हैं तो फ्रेंड्स आपका जो बिजनेस है वो फेलियर हो जाएगा। तो सबसे पहले यहाँ पर मार्केट रिसर्च कर लेना। जब मार्केट रिसर्च समझ में आ जाएगा तो फ्रेंड्स आपको यहाँ पे सारे चीज का जो है एक आकलन मिल जाएगा कि मैं अगर 10 किलोमीटर एरिया दायरा कवर करता हूं तो मुझे कितने पीस क्वांटिटी जो है मुझे परचेस करना है, कितना दिनों में मेरा कंज्यूम हो जाएगा, यानी कितने दिन में जो है आप उसको होलसेल कर पाएंगे। अगर आपको लगता है कि एक हफ्ते में आप 500 क्वांटिटी आप कंज्यूम कर लेंगे, यानी कि आप सेल कर देंगे, तो आपको उसके अकॉर्डिंग पूरे महीने भर का जो है आपको वर्किंग कैपिटल अपने पास में रखना पड़ेगा। इससे समझ में आता है कि आपका जो रिटेल नेटवर्क है वो पूरी तरह से स्ट्रांग होना चाहिए और आपको रिटेल मार्केट के बारे में भी अच्छे खासी नॉलेज होनी चाहिए। और एक थर्ड जो है आपके पास पैसे होने चाहिए। तो पैसे ज्यादा इसमें इन्वेस्ट नहीं होने वाले, पैसा कितना इन्वेस्टमेंट होगा ये हम लोग इन्वेस्टमेंट के पोर्शन में जानेंगे। तो यहाँ पे आपको सिर्फ समझ में आ रहा है कि अगर आप लिटिल बेबी केयर का, अगर बेबी डायपर का अगर होलसेल बिजनेस करते हैं तो यहाँ पे क्या क्या चीज सबसे पहले आपको करने पड़ेंगे। इसके अलावा जो है एक लास्ट सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपको जानना पड़ेगा कि आप जो ये डायपर का होलसेल करना चाह रहे हैं इसके कॉम्पिटिटर कौन कौन है। कॉम्पिटिटर जब तक पता नहीं चलेगा और कितने प्राइस में सेल हो रहा है, कितना प्रॉफिट मार्जिन आपको अपने पास रखना है और कितना जो है आपको रिटेलर को देना है, तब तक जो है आप इस बिजनेस में सही तरीके से टिक नहीं पाएंगे। याद रखें जितना ज़्यादा मार्जिन आप रिटेलर को देंगे फ्रेंड्स उतना ज़्यादा जो है आपका ये प्रोडक्ट सील होने वाला है। क्यों सील होने वाला है, क्योंकि फ्रेंड्स आपको पता होना चाहिए कोई भी रिटेलर जिसको जिस प्रोडक्ट पे ज़्यादा मार्जिन मिलता है कस्टमर को वही प्रोडक्ट वो पीच करते हैं, चाहे वो कैसा भी प्रोडक्ट हो। तो यहाँ पे आपको अटेंशन देना पड़ेगा कहाँ पे, रिटेलर के मार्जिन पे। तो यहाँ तक जब क्लियर है तो अब हम लोग बात करेंगे कौन कौन से लाइसेंस आपको लेने पड़ेंगे इसका होलसेल बिजनेस स्टार्ट करने के लिए। अगर आप होलसेल बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहला जो लाइसेंस है आपको जीएसटी नंबर लेना पड़ता है। इसके वजह दूसरा जो लाइसेंस है आपको ट्रेड लाइसेंस एंड शॉप पेन एस्टेब्लिशमेंट एक्ट के अंदर जो है आपको रजिस्ट्रेशन लेना पड़ता है। तो आप इस 3 लाइसेंस में जो है इस बिजनेस को सही तरीके से आप स्टार्ट कर पाएंगे। तो यहाँ पे अगर आपको लाइसेंस के बारे में पूरा क्लियर है तो अब नेक्स्ट बढ़ेंगे इन्वेस्टमेंट के बारे में। मैंने क्या बताया फ्रेंड्स कि आपका इन्वेस्टमेंट यहाँ पे आपको करना पड़ेगा, जितना ज़्यादा आपका रिटेल नेटवर्क बड़ा रहेगा उसके अकॉर्डिंग आपका इन्वेस्टमेंट यहाँ पे वैरी करता है। इसके अलावा आपका लोकेशन भी है, आप जिस लोकेशन से बिलोंग करेंगे उसके अकॉर्डिंग आपको यहां पे इन्वेस्टमेंट अपने पास में रखना पड़ेगा, क्योंकि अगर आपका डिस्ट्रिक्ट काफी ज्यादा बड़ा है, आपका जो होलसेल का एरिया ज्यादा बड़ा रहेगा तो उसके अकॉर्डिंग आपको ज्यादा माल परचेस करना पड़ेगा इनिशियल जो भी आपके डिस्ट्रीब्यूटर होंगे, या अगर आप डायरेक्टली कंपनी को अप्रोच करना चाहते हैं तो फ्रेंड्स आप डायरेक्टली कंपनी को भी अप्रोच कर सकते हैं। बट यहां पे आपके एरिया में मोस्ट प्रोबेबली जितने भी ये डायपर कंपनी सबके डिस्ट्रीब्यूटर अभी अवेलेबल है, तो आप होलसेल के बिजनेस पे ध्यान दीजिए, क्योंकि फ्रेंड्स होलसेल का बिजनेस जो है आप बहुत ही कम इन्वेस्टमेंट में स्टार्ट कर सकते हैं। इसके अलावा जो है होलसेल के बिजनेस में रिस्क काफी कम होता है। अगर आप डिस्ट्रीब्यूटर लेंगे तो याद रखिए फ्रेंड्स आपको मेहनत ज्यादा करना पड़ेगा, पैसा भी ज्यादा इन्वेस्ट करना पड़ेगा और उसमें रिस्क काफी ज्यादा है, क्योंकि फ्रेंड्स आपका जो है वहां पे पैसा ज्यादा इन्वेस्टमेंट रहेगा। तो यहां पे जो है रिस्क एपेटाइट आपका कितना ज्यादा है उसके अकॉर्डिंग जो है आप इस बिजनेस को कंसिडर कीजिएगा। तो यहाँ पे अब हम लोग देखते हैं कि आपको इन्वेस्टमेंट कैसे कैसे यहाँ पे आगे बढ़ने वाला है। देखिए इन्वेस्टमेंट में सबसे पहला जो इन्वेस्टमेंट है कंपनी से आपको इनिशियल स्टॉक परचेस करना पड़ेगा। तो कितना स्टॉक परचेस करना पड़ेगा, सबसे बड़ा क्वेश्चन ये है। देखिए आप होलसेल का बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं तो आप इनिशियल लेवल पर जो है आप 1 लाख का भी माल जो है आप लेकर इस बिजनेस को स्टार्ट कर सकते हैं। और 1 लाख का माल आप परचेस करेंगे तो फ्रेंड्स ये सारे माल को रखने के लिए आपको स्पेस एरिया चाहिए। तो फ्रेंड्स एक गोडाउन एरिया जो है आपके पास में 500 से लेकर 600 स्क्वायर फीट का होना चाहिए। और इसके अलावा उसमें कुछ कुछ जो है आपको इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने पड़ेंगे, जैसे कि कुछ कंप्यूटर टेबल रखने पड़ेंगे, क्योंकि आपका डेली का जो है ये बिजनेस है तो आपका बिलिंग वगैरह होगा, तो वो आपको देखना है कि आप उसमें किस तरह से एडजस्टमेंट करते हैं। तो इसके बाद जो आपका नेक्स्ट इन्वेस्टमेंट आता है, जो मैंने लाइसेंस बताया उसको लेने में जो है आपको 5,000 रुपये लमसम खर्चा आ जाएगा। और इसके बाद जो आपका लास्ट इन्वेस्टमेंट है यहाँ पे एक वर्किंग कैपिटल लगने वाला। तो वर्किंग कैपिटल कितना लगेगा फ्रेंड, जितना का माल आपने परचेस किया उतना का आपको वर्किंग कैपिटल अपने पास रख दीजिए, यानी फ्रेंड्स आपको 1 लाख रुपये और एक्स्ट्रा रखना पड़ेगा। तो यानी कि फ्रेंड्स आप इस बिजनेस को 2 से 2.5 लाख के बीच में आप स्टार्ट कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे गोडाउन की बात करें तो गोडाउन जो है ना आप अपने घर पे भी बना सकते हैं, अगर आपके पास में स्पेस एरिया है घर पे तो आप वहां से भी बिजनेस को स्टार्ट कर सकते हैं। जब आपका बिजनेस स्केल करने लगेगा तो फ्रेंड्स आप बाहर कोई गोडाउन ले लेंगे बड़े सा, क्योंकि फ्रेंड्स
आप एक प्रोडक्ट को लेकर होलसेल करने जा रहे हैं, तो जैसे जैसे आपका बिजनेस जो है होलसेल वाला बढ़ेगा, तो वैसे वैसे और भी आप अपने पोर्टफोलियो में होलसेलिंग के लिए दूसरा प्रोडक्ट ऐड करेंगे। दूसरा प्रोडक्ट क्या होगा फ्रेंड्स, इसी कंपनी का यानी कि फ्रेंड पिरामल फार्मा का जो है रिटेल वाइस भी आता है, इसके अलावा जूनियर रिंग्स भी आते हैं। तो फ्रेंड्स ऐसे और भी 3-4 तरह के प्रोडक्ट है, तो आप अपने पोर्टफोलियो में ये सारे प्रोडक्ट को भी ऐड कर सकते हैं। बट आपको स्टार्टिंग में सिर्फ एक प्रोडक्ट को आपको होलसेल लेकर चलना है, जब आपका बिजनेस स्केल करने लगे तब उसके बाद जो है आप वन बाय वन करके जो है आप अपने पोर्टफोलियो में नया नया प्रोडक्ट ऐड करेंगे और आप होलसेल करना और भी स्टार्ट करेंगे। तो याद रखें फ्रेंड, छोटे छोटे बिजनेस जो है ना बड़े बड़े मुनाफे देकर जाते हैं, तो यहाँ पे आपको छोटे से स्टार्ट करना चाहिए। इसका जो है आपको ऑटोमेटिक जो है, अगर आप छोटे बिजनेस मेहनत करेंगे तो आपको ऑटोमेटिक जो है छोटा बिजनेस ही बड़ा बन जाता है। तो यहाँ पे आपको समझ में आ गया कि टोटल जो इन्वेस्टमेंट है 2 से 2.5 लाख का है, और 2.5 लाख के इन्वेस्टमेंट में जो है आप इस बिजनेस को सही तरीके से रन कर पाएंगे। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट पढ़ेंगे प्रॉफिट मार्जिन के बारे में। देखिए सबसे बड़ा चीज समझना क्या है कि प्रॉफिट मार्जिन कितना मिलता है। देखिए बिजनेस तो बहुत सारे हैं, पैसा भी इन्वेस्ट होता चलिए, बट अगर आपको सही प्रॉफिट नहीं मिले ना तो आपको उस बिजनेस को करने में मन नहीं लगेगा। तो यहाँ पे आपको समझना पड़ेगा कि प्रॉफिट मार्जिन कितना होता है। देखिए हमारे बगल में एक जो है डीलर है, तो मैंने उनसे ही जो है ये पिरामल फार्मा का जो है लेकर आया है। तो ऐसे मेरे पास बहुत सारे प्रोडक्ट अभी हैं, यहाँ पे पूरा पैकेट है, पूरा जो कार्टून है, एक पूरा कार्टून आता है इसका, वो पूरा कार्टून है मेरे पास में, मैं आपको दिखा दूँ। तो ये जितने भी आप प्रोडक्ट देख रहे हैं तो आपको मन में क्वेश्चन होगा कि सर इसका क्या प्राइस होगा। मैं आपको बता दूं कि इसका एक सिंगल, ये इसकी बात करें तो इसका सिंगल जो प्राइस है ये आपका 449 है, 450 लेकर मैं चलता हूं। मैं आपको दिखा देता हूं, अगर कैमरे में दिख जाए तो वेल एंड गुड। यहां पे देख सकते हैं 449 प्राइस लिखा हुआ है। तो फ्रेंड्स इसमें जो है 40 पीस है, कितना पीस है 40 पीस है, और 449 जो है MRP है। इसके अकॉर्डिंग एक पीस का प्राइस कितना पड़ता है, 11.5 रुपया लमसम पड़ता है, ठीक है। तो यहाँ पे इसका MRP 449 है, और ये जो पैक है, एक पैक की बात करें 267 में जो है होलसेलर को मिलता है। कितने मिलता है, 267 मिलता है। अगर मैं इस तीनों की बात करूँ तो फ्रेंड तीनों जो है आपको लमसम 800 या 810 के आसपास आपको मिलेगा, अगर तीन आप परचेस करेंगे तो। तो इसके अकॉर्डिंग आप यहाँ पे पूरा कैलकुलेट कर सकते हैं कि आपका जो MRP है 449 है, और जिसका प्राइस आपको 267 रुपीस पड़ता है। तो फ्रेंड्स इस डायपर पे आपको कितना का प्रॉफिट मार्जिन मिलता है आपको यहाँ पे समझ में आ रहा होगा। यहाँ पे जो है आपको 40% का प्रॉफिट मार्जिन जो है इस डायपर पे आपको देखने को मिल जाता है। देखिए 40% तो आपको प्रॉफिट मार्जिन मिल ही रहा है, तो यहाँ पे उसी 40% में जो है आपको रिटेलर को भी देना है और आपको अपने पास भी रखना है। तो यहाँ पे आप पे डिपेंड करता है कि आप रिटेलर को कितना मार्जिन में माल प्रोवाइड करते हैं। मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था जितना ज्यादा आप मार्जिन रिटेलर को देंगे उतना ज्यादा जो है आपका माल सेल होगा, याद रखें। तो स्टार्टिंग में आप रिटेलर को मार्जिन ज्यादा प्रोवाइड कीजिए, वो आपके माल को जो है ज्यादा पिच करेगा कस्टमर तक। तो यहाँ पे अगर आप मुझसे सजेशन लेंगे कि सर यहाँ पे कितना में ये माल को छोड़ना चाहिए, तो फ्रेंड्स ये आपको जो है डिस्ट्रीब्यूटर बताएगा जो जहां से आप ये माल परचेस करेंगे। तो आप अपने डिस्ट्रीब्यूटर से पूछ लीजिएगा, वो आपको पूरी तरह से क्लियर करेगा कितना में जो है आपको रिटेलर को माल देना चाहिए और कितना आपको अपने पास मार्जिन रखना चाहिए। और यहाँ पे अगर आप पूछेंगे सर कि अगर इसका होलसेल बिजनेस करेंगे, यानी कि फ्रेंड्स अगर आप यहाँ पे पिरामल फार्मा का लिटिल केयर बेबी का डायपर का होलसेल बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो आप महीने में इस बिजनेस से कितना कमा सकते हैं। देखिए ये कमाई जो है ना टोटली डिपेंड करेगा आपके सेल्स पे, कितना आपका सेल्स हुआ है यानी कितने अमाउंट का सेल हुआ उस पे जो है आपका डिपेंड करेगा। तो यहाँ पे अगर आप पूरे महीने भर में 2.5 लाख का माल सेल करते हैं तो फ्रेंड्स आप महीने में यहाँ पे कितना कमा सकते हैं आप कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर आप होलसेलर हैं तो खुद का प्रॉफिट मार्जिन अगर 15% भी पकड़े और बाकी जो रेस्ट बचता है 25% वो अगर आप रिटेलर को देते हैं तो फ्रेंड्स 15% भी लिखते हैं तो आपका 37,500 का यहाँ पे आपका महीने का कमाई है। याद रखें फ्रेंड्स कि जितना ज़्यादा सेल होगा उतना ज़्यादा जो है आपको यहाँ पे प्रॉफिट मिलने वाला है, यानी फ्रेंड्स उतना ज़्यादा आपका रेवेन्यू आएगा तो उसके अकॉर्डिंग आपका प्रॉफिट भी इंक्रीज करते रहेगा। तो यहाँ पे अगर आप पहले से ही कोई होलसेल बिजनेस स्टार्ट किए हुए हैं वेलनेस प्रोडक्ट पे, तो आप यहाँ पे पिरामल फार्मा का लिटिल बेबी केयर का डायपर का भी होलसेल बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं अपने पोर्टफोलियो में ये इस प्रोडक्ट को ऐड करके। और मैं आपको बता दूं कि आज के समय में बेबी डायपर का डिमांड काफी ज्यादा है और डे बाय डे जो है इसका डिमांड जो है इंक्रीज करते जा रहा है। तो फ्रेंड्स ये पूरा जो है एक्सपोनेंशियली ग्रोथ कर रहा है। तो फ्रेंड्स अगर आप भी कोई हेल्थ एंड वेलनेस प्रोडक्ट में अगर बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं तो आप पिरामल फार्मा का लिटिल बेबी केयर डायपर का बिजनेस को जो है आप कंसिडर कर सकते हैं। अब हम लोग नेक्स्ट बात करने वाले हैं कि अगर आप पिरामल फार्मा का लिटिल बेबी केयर डायपर का बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो इस प्रोडक्ट को कहां-कहां सेल करेंगे। देखिए जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था जब मार्केट रिसर्च करेंगे तो आपको कहां-कहां करना है, फिर भी मैं आपको यहां पे क्लियर कर देता हूं। देखिए जितने भी कॉस्मेटिक दुकान होते हैं, जितने भी किराना दुकान होते हैं, जितने भी मार्ट वगैरह आपके एरिया में खुले हुए हैं, ग्रोसरी मार्ट हो या कोई भी सुपरमार्केट हो, तो आप वैसे जगह पे जो है आप टारगेट कर सकते हैं। इसके अलावा जितने भी मेडिकल शॉप्स है या जितने भी सारे क्लिनिक्स आपके यहां पे दिखने को मिल रही होगी, इसके अलावा हॉस्पिटल्स, आप वैसे जगह पे भी टारगेट कर सकते हैं इस प्रोडक्ट को होलसेल करने के लिए। इसके अलावा जो है आप जो है ई-कॉमर्स वेबसाइट जो है
आप ये सारे प्रोडक्ट को सेल कर सकते हैं, अमेजन पे जाकर सेल कर सकते हैं, फ्लिपकार्ट पे जाकर सेल कर सकते हैं, मीशो पे सेल कर सकते हैं, ऐसे बहुत सारे जो है ई कॉमर्स वेबसाइट जहां पे जो है आप इस लिटिल केयर बेबी डायपर को जो है आप लिस्ट करके आप सेल कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स अपॉर्चुनिटी काफी ज्यादा है, आपको कस्टमर्स ढूंढने की ज्यादा जरूरत नहीं है, आपको खुद पता चल जाएगा कि इसके कंज्यूमर कौन कौन है। आप पहले मार्केट रिसर्च कीजिए, मार्केट रिसर्च में जो है आपको सारी चीज की जानकारी मिल जाती है। इसके अलावा सबसे लास्ट एक क्वेश्चन आता है यहाँ पे कि अगर आपको इसका होलसेल बिजनेस स्टार्ट करना है तो आपको जो है माल कहाँ से परचेस करना चाहिए। देखिए यहाँ पे माल अगर आप परचेस करना चाहते हैं तो सबसे पहले आप जिस डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते हैं तो आप गूगल पे जाइए, सर्च कीजिए कि लिटिल बेबी केयर डायपर डिस्ट्रीब्यूटर इन, जो भी आपका डिस्ट्रिक्ट होगा वहाँ लिखिए, जो भी आएगा सबसे पहला उसमें सर्च में आप उसको क्लिक करके जो है आप उसमें कॉन्टैक्ट नंबर एड्रेस पूरा देख सकते हैं, आपके जो भी नियर बाय डीलर या डिस्ट्रीब्यूटर होंगे आप उनसे कॉन्टैक्ट कीजिए, आप उनसे डायरेक्टली माल परचेस कर सकते हैं। याद रखें जितना ज़्यादा क्वांटिटी में माल आप परचेस करेंगे फ्रेंड्स उतना ज़्यादा जो है आपको डिस्काउंट मिलने वाला है। तो कोशिश कीजिए जितना ज़्यादा इनिशियल स्टॉक पैसा से आप खरीद सके उतना ज्यादा जो है आपको इनिशियली डिस्काउंट आपको इसमें मिल जाता है। तो फ्रेंड्स अगर आपको ये बिजनेस आइडिया पसंद आया है वीडियो को लाइक कीजिए, और अगर कोई भी क्वेश्चन हो तो कमेंट भी कर सकते हैं, मैं कोशिश करूंगा आपके सारे क्वेश्चन का आंसर देने के लिए। और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिए ताकि फ्रेंड्स आने वाले जितने भी नए नए वीडियो है उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। बस आज के लिए इतना ही इस वीडियो में, धन्यवाद, जय हिंद।